मुझे, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डायरी देखो, मुझे अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो कृपया एक बार अपना तरफ से आप मुझे बता दें कि मैं आपको। नमस्कार, योगिता जी ने बता दिया है कि हम सुनाई दे रहे हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं योगिता? यस, प्लीज प्लीज राइट यस। आज जैसा कि बहुत ही मेरे लिए सुख की सुखद अनुभूति हो रही है कि मैं आज इस मंच में आपके साथ जुड़ रहा हूँ, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग है टीचर एजुकेशन इन इंडिया, और जो हमारा ग्रुप है टीचर एजुकेटर्स। तो पहली बात तो मैं सबसे पहले धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ अपने अनुज और मित्र सोमू जी का, जिन्होंने ये एक बहुत बड़ा जन जागरण अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा जन जागरण के तौर पर आज हम यहाँ पर इस विपदा के समय में भी एकजुट हैं, उसका सारा का सारा श्रेय सोमू जी को जाता है। और निसंदेह आज जो समय है वो एक सूत्र में हमें अपने को जोड़ने का है, और ऐसे समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है अध्यापक की, और अध्यापक के साथ साथ समस्त समाज की। तो समय का ध्यान में रखते हुए और जैसे जैसे साथी जोड़ेंगे मैं अपनी बात को आगे रखने का प्रयास करूँगा। वर्तमान संदर्भ में मानवीय मूल्य, वर्तमान संदर्भ में मानवीय मूल्य आज का विषय साथियों चर्चा के लिए मुझे दिया गया है। मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। मैं अध्यापक हूँ इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली में, पिछले 20 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, और अपने प्रयासों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि अपने विद्यार्थियों को और जितने भी विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के अलावा अन्य विश्वविद्यालयों से भी जुड़े हुए हैं उन तक अपनी बात पहुंचाई जाए। और इस तरह के जो ऑनलाइन प्रयास होते हैं ये बहुत बड़ा माध्यम है विद्यार्थियों के लिए भी, अध्यापकों के लिए भी, क्योंकि ये व्यवस्था अभी इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि हम जिस परिस्थिति में आज जीवित हैं और जिस परिस्थिति में आज हम पहुंच चुके हैं उसका सारा का सारा जो संकट काल है, ऐसे में अगर हमें अपने को असुरक्षित रखना है तो अब तो शायद हमें कुछ समय ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात को बढ़ाने के लिए
आप लोगों से, कुछ लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर वो मुझे सही से सुन पा रहे हो तो मुझे एक अपना एक छोटा सा मैसेज लिख के बता दें कि हम अपनी बात आज के इस जो प्रबोधन की जिम्मेवारी मुझे दी गई है हम उसको आगे बढ़ाएं। मैंने पिछले दिनों उदय प्रताप सिंह जी को भी पढ़ा। मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और कवि दुष्यंत मेरे बहुत प्रिय कवियों में है। जो मैंने आज उदय प्रताप सिंह जी को भी पढ़ा और उसके बाद जो उनकी बात मैंने दिल में कहीं घर कर गई, वो लिखते हैं कि आज पढ़े लिखे लोगों में जो सबसे बड़ी कमी है दोस्तों, वो आज करुणा की है। आज जो सबसे बड़ी जो कमी है वो मानवीय मूल्यों की कमी है। आज जो शिक्षा का जो मर्म होना चाहिए कि वो हमारे अंदर हमदर्दी का भाव, सिंपैथी की जो फीलिंग होनी चाहिए वो जगाए, किंतु आज जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं अपने इस कर्तव्य से विमुख हो गई है। आज जो शिक्षा है उसने जो ये हमारे देश के प्रति जो भावना होनी चाहिए थी, कृतज्ञता की भावना, जिसको विवेकानंद जी भी कहते हैं कि हमारे शिक्षा का जो मर्म होना चाहिए वो अपने समय और अपने समाज के सरोकारों से जुड़ना होना चाहिए, किंतु आज जो हमारी सारी शिक्षा है उसका जो मर्म है वह सीमित सिर्फ डिग्री हासिल करने तक रह गया है। किसी भी समय में, किसी भी समाज में जब तक आप ये भावना मन में नहीं लेके आते कि ये देश मेरा है, ये समाज मेरा है, और जब तक आप इन भावनाओं से ऊपर नहीं उठ के सोचते कि जो जाति, धर्म, संप्रदाय, इन तमाम भावनाओं से जब तक हम ऊपर नहीं उठते तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हम नहीं कर सकते। मैंने उनकी बात आपके साथ शुरू करी तो मैं वहीं से अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। तो मुझे, अगर हमसे जुड़ चुके हों तो कृपया वो अपना एक ग्रीन सिग्नल मुझे दें कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, या और अन्य साथी अगर इस वक्त जुड़ चुके हैं तो वो भी कृपया मुझे बताएं कि वो मेरी बात सुन पा रहे हैं। तो देश के प्रति गर्व का भाव होना चाहिए, जो देश के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए वो आज की शिक्षा उन मूल्यों का सृजन नहीं कर पा रही, और वर्तमान समय में इसी भावना को पुष्पित और पल्लवित करने का समय है। इसी भावना को तोड़ने का काम अंग्रेजों ने किया और वो इसी बात को अभी तक बो गए कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज रह गए, कि किसी तरीके से हम बटे रहें व्यवस्थाओं में, भिन्न भिन्न जातियों, उपजातियों में, और जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो हमारे देश में बपौती छोड़ गए, 70 वर्ष तक भी यही होता रहा। आज हमें अपने देश के ऊपर इस बात पर गर्व करना चाहिए कि इस देश ने विश्व को ज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है। आज भी हम अगर देखें तो नॉलेज इकोनॉमी में, विश्व की ज्ञान अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान अतुलनीय है। मैं कल कहीं पढ़ रहा था कि भारत ने विश्व को क्या दिया,
आज तक अगर आप देखें तो हर सातवां भारतीय विश्व से बाहर है और वो विश्व को सींचने का कार्य कर रहा है। अमेरिका देखिए, कनाडा देखिए, विश्व के कोई भी बड़े बड़े मुल्क देखिए, जहाँ भी भारतीय गए उन्होंने अपने ज्ञान के परचम को लहराया है। और सदा ही इस बात की कल्पना करी है कि मेरे राष्ट्र का नाम सदा ऊंचा रहे। आज आप नासा में जाएं तो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक, सबसे ज़्यादा अमेरिका में डॉक्टर्स भारतीय। ये सब इस वजह से हो पाया क्योंकि हमने अपनी शिक्षा में उन मूल्यों का सृजन किया था और उन मूल्यों के सृजन करने में जो भूमिका रही वो सबसे अधिक परिवार की रही, वो सबसे अधिक माता पिता की। मूल्य देने का जो सबसे बड़ा कार्य करती हैं या मूल्य की जो सबसे बड़ी एजेंसी है, जिसको आप एजेंसी कहते हैं, वो एजेंसी परिवार होता है। और परिवार में भी जो सबसे बड़ा कार्य मूल्यदायिनी या वैल्यू इनकल्केशन का जो कार्य है वो माता का है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माँ का जो सबसे बड़ा रोल है वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यदि माँ शिक्षित होगी, माँ संस्कारित होगी तो अच्छे मूल्य देंगी। ऐसा नहीं मैंने कहता कि अशिक्षित माँ अच्छे मूल्य नहीं देती। महात्मा गांधी की माँ शिक्षित नहीं थी, लेकिन विश्व को इतना बड़ा जननायक देने वाली उनकी माँ, या वीर शिवाजी की माँ जीजाबाई भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। जिन माओं ने इतनी बड़ी संतानों को जन्म दिया, शिवाजी महाराज, छत्रपति मराठा सम्राट, भारत के नायक, और विश्व के जितने भी आप भारत के विश्व में जितने भी नायक हुए हैं, अगर आप उनकी माताओं के विषय में भी पढ़ें तो आप देखें कि सबसे बड़ा जो मूल्यदायिनी कार्य करते हैं वो अभिभावक करते हैं। इसीलिए हम अपने परिवारों में और हमारे संस्कारों में आज भी मातृवर्ते प्रदारेशु परदरेशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। हमारे शास्त्र भी इसी बात को कहते हैं कि जो दूसरे की स्त्री है वो माँ या माँ की नजर से ही उसे देखना चाहिए। और परदरेशु लोष्टवत, दूसरे का जो धन है उसको मिट्टी के डले के समान समझना चाहिए। जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरा हक नहीं है, वो मिट्टी के समान है। हमारे यहाँ तो राका और बांका की कहानी है, जो संत हुए हैं राका बांका पति पत्नी। जब राका आगे चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि मार्ग में सोना पड़ा हुआ है, उन्होंने उस सोने को सोचा कि कहीं पत्नी ना देख ले, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। और पीछे से पत्नी आ रही थी, पत्नी ने पहले ही देख लिया था सोने की, पर उनकी नज़र पड़ चुकी थी। तो जैसे ही उन्होंने देखा पति पतिदेव जो है मिट्टी से सोने को ढक रहे हैं, तो उन्होंने कहा स्वामी मिट्टी से मिट्टी को क्यों ढक रहे हो? उन्होंने कहा मुझे लगा कि कहीं आप नारी सहज सुलभता के वश मोहित ना हो जाओ। उन्होंने कहा कि जिसने संसार के लिए सारे संसार को त्याग दिया और इस मार्ग का अवलंबन कर लिया, उसको ये छोटा सा प्रलोभन क्या विचलित करेगा। साथियों, जिस देश में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जो जन्मभूमि हुई, जहाँ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम ने जन्म लिया, वो जो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी जिसने कहा, आज अगर हम वहाँ पर मूल्यों का अवलंबन, आज अगर हम वहाँ पर उसको देखते हैं कि वो राष्ट्र मूल्य विहीन, वहाँ राजनीति चल रही है, सिद्धांत विहीन वहाँ के शिक्षाएं चल रही हैं, तो वो राष्ट्र कभी प्रगति नहीं कर सकता। तो उसी लिए उस श्लोक में कहा था
आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडित, मातृवर्त प्रदारेषु परदरेषु लोष्टवत्। दूसरे के धन को डले के समान समझना है, और जो व्यक्ति अपने समान ही सबको समझता है, जो व्यक्ति जैसी आत्मा मेरे अंदर है वैसी आत्मा दूसरों के अंदर है, जब तक वो इस भावना से ओतप्रोत नहीं होता तब तक वो समाज के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लेके आ सकता। तो माता की भूमिका मूल्यदायिनी संस्था के रूप में सबसे ऊपर है, और उसके बाद पिता का कर्तव्य आता है। माता के बाद मैं पिता के कर्तव्य को भी रेखांकित करना चाहता हूँ। जितना आज समय परिवारों में माँ देती हैं, शायद उतना ही आज पिता भी दे रहे हैं। जितना आज पिता कार्य कर रहे हैं बाहर, उतना ही कार्य माँ भी कर रही हैं। तो दोनों की बराबर की महती भूमिका है, किसी की भी भूमिका को हम कम नहीं आंक सकते। दोनों की भूमिका बराबर है, क्योंकि तो परिवार की आजीविका में दोनों का बराबर का हाथ है। दोनों ही परिवार की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता और पिता दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर माँ पृथ्वी है तो पिता आकाश है, तो पिता भी मूल्यदायिनी दाने में, मूल्यों के निर्वहन में एक बहुत बड़ी भूमिका पिता की भी निकलती है। मैं अभी अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उनके विषय में पढ़ रहा था। पीछे अमेरिका में नस्लवाद की घटना हुई तो अब्राहम लिंकन का नाम आया मीडिया में भी। उस घटना को आपने भी देखा होगा कि कैसे इतने वर्षों के बावजूद भी 1776 में अमेरिका आज़ाद हो जाता है, और इतने वर्ष बाद भी वहाँ नस्लवाद जैसी बड़ी समस्या आज भी है। तो कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों की कमी है, जहाँ पर एक नागरिक को इसलिए गला दबा करके पुलिस वाला मार रहा है क्योंकि वह श्वेत नहीं है। और इसी नस्लवाद की सोच ने, इसी गौरांग ग्रंथि ने हमें उपनिवेश बनाया, द वाइट्स विल रूल द वर्ल्ड। और जो वुड डिस्पैच कहता है 1854 में कि दे आर वाइट मेंस बर्डन, कि ये जो ब्लैक हैं या येलो हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को तीन नस्लों में बांटा, अपने को वाइट्स कहा, खुद को उन्होंने वाइट्स कहा, उसके बाद अफ्रीकन्स को उन्होंने ब्लैक्स कहा, और जो भारत और उसके तमाम अलग मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनको येलो कहा। तो उन्होंने कहा कि ये तो असभ्य लोग, दे आर बैरबेरिक, और हम इन असभ्य लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने आए, हम इन असभ्य लोगों के अंदर क्रांति लाने का कार्य करें, हम इन्हें मूल्य देंगे। तो मूल्य देने की एजेंसी उन्होंने स्वयं को समझ लिया, इसीलिए उन्होंने हमारी पुस्तकों में बदलाव करे, हमारे पाठ्यक्रम में बदलाव करे, हमारे जनमानस की सोच में बदलाव लाने का कार्य किया। हालांकि वो इसमें पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने इस कार्य को करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो भी अमेरिका की जो मैंने घटना देखी, जिससे मैं इस मूल्य को जोड़ना चाहता हूँ, वे कहती है कि इंसानियत का जो मूल्य होता है या इंसानियत का जो जज्बा होता है वो सबसे बड़ा जज्बा होता है, वो सबसे बड़ा मूल्य होता है। अगर इंसान को इंसान से मोहब्बत हो जाती, ये दुनिया जो जन्नुम है जन्नत हो जाती। लेकिन इतने वर्षों बाद भी वहाँ पर 1776 के अमेरिका जो आज़ाद हुआ उसके बाद भी, आज भी वो अमेरिका इसलिए लड़ाई लड़ रहा है, आज भी वो अमेरिका इसलिए अपनी उपनिवेशवाद की लड़ाई लड़ रहा है, एक अलग तरीके के उपनिवेशवाद की लड़ाई लड़ रहा है। कि वहां पर पहला अगर अश्वेत राष्ट्रपति बनता है बराक ओबामा, तो हर वक्त एक ही समाचार सुनने को आता था कि पहला अश्वेत अफ्रीकन अमेरिकन बॉर्न राष्ट्रपति विश्व को, अमेरिका को मिला है। लेकिन आज उसी अमेरिका में जब ये घटना हो जाती है तो स्वाभाविक है मानवीय मूल्यों का अवसान होता है।
और जब इन मानवीय मूल्यों का अवसान होता है तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा मूल्य था करुणा का, दया का, उसको तो तुलसी भी कहते हैं रामचरितमानस में, ये दया धर्म का मूल है, पाप धर्म अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब लक घट में प्राण। ये जो धर्म का जो मूल मूल है, धर्म का जो सार है वो दया है, और जो पाप है वो धर्म, वो सबसे बड़ा जो पाप है वो अभिमान है। तो कहते हैं तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। जब ऐसी स्थिति होती है कि गर्भवती हथनी को अनानास में आतिशबाजी वाला अनानास खिला दिया जाता है, कौन से मानवीय मूल्य की, कौन से मानवीय मूल्य को खत्म होते हुए आप देखते हैं? मानवता का जो मूल्य है, ह्यूमैनिटी का जो मूल्य है वो खत्म हो गया। और ह्यूमैनिटी का मूल्य इसलिए खत्म हो गया क्योंकि हम मेटरलिज्म की ओर चल पड़े, वो इसलिए खत्म हो गया कि हम भौतिकवाद की ओर चल पड़े। हमने उस चश्मे को पहन लिया जो सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताता है कि येन केन प्रकारेण, बाय हुक और बाय क्रुक, सब कुछ पाने की कोशिश कर। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोज, मनुष्य तो सिर्फ इच्छा करता है, उसका अधिकार तो सिर्फ कर्म में है, फल नहीं मिल सकता उसे। और किसी को गिराने से आप अगर ऊपर उठते हैं तो जरूरी नहीं है कोई आपको ना गिराए। इसलिए जो दया है वही धर्म का मूल। इन दोनों प्रकरणों में, चाहे वो केरल की घटना हो जिसमें एक बेजुबान, एक जानवर के ऊपर, एक पशु के ऊपर, एक गर्भवती पशु के ऊपर, वो मूल्य कौन सा वहां पर घट गया, वो कौन सी मानसिकता है जो एक अश्वेत नागरिक को मार रही है, और टीवी फुटेज दिखाती है कि किस तरीके से वो व्यक्ति उसके घुटनों के नीचे दबा हुआ है, कार के पास उसको दबाया हुआ है बाहर निकाल करके उसके पहिए के साथ, और वो कह रहा है आई कैन नॉट ब्रीव, मैं सांस नहीं ले पा रहा। और वो एक बार नहीं कहता ये बात, बात को 12 बार कहता है आई कैन नॉट ब्रीव, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और अंत में वो वहीं मर जाता है। ये कौन सी सोच है, ये कौन से मूल्यों का अवशरण है, कौन से मूल्य आज हम छोड़ जा रहे हैं? आज भी हम उस मानसिकता से ऊपर क्यों नहीं उठ पाए? सिर्फ मैं और मेरा तक ही हम क्यों सिमट के रह गए? जबकि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की बात करी, सारी दुनिया को ये संदेश दिया कि ये धरती, पूरा विश्व मेरा गांव, पूरा विश्व मेरा परिवार है। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, लोका समस्ता सुखिना भवंतु की बात करते हैं, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की बात करते हैं। उस धरती पर अगर ऐसे कायरतापूर्ण कार्य होते हैं कि एक बेजुबान को मार दिया जाता है, तो आज शायद जो सबसे बड़ा जो मूल्य घट गया कि हम ये समाज इस तरफ चल रहा है, वो है मूल्य शिक्षा का अवसरण। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चाहे वैश्विक परिदृश्य की बात करें, चाहे राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें, जो सबसे बड़ी कमी है वो मानव मूल्यों की कमी है। वो आज जो सबसे बड़ी कमी है वो इस बात की कमी है कि मानवीय मूल्य घटते चले जा रहे हैं, और इन मानवीय मूल्यों के को जिस तरीके से एक एक करके इनको तो हम अगर देखें, दया का मूल्य देख लिया, अमेरिका की घटना साफ बताती है दया का जो मूल्य है वो रहा नहीं, करुणा का मूल्य देख लिया, अभी रिसेंटली जो ये हथनी जो गर्भवती थी जिसको मारा गया उसमें आपने देखा होगा करुणा का मूल्य चला गया। जब कहीं दंगे होते हैं तो सबसे ज्यादा अगर पछतावा रह जाता है तो वो महिलाओं और बच्चों को रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे पुरुष इन दंगों में मर जाते हैं। विभाजन की जो प्रक्रिया थी पूरी की पूरी, जिसमें भारत के अंदर
लाखों लोग विभाजित होकर के जब ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से भारत आ गए थे, और जिसके बाद भारतीय सेना ने बांग्लादेश के लिए मुक्ति वाहिनी का साथ दिया था। अगर आप पूरी विभाजन की त्रासदी पढ़ें, या रिसेंटली आप कश्मीर की शरणार्थियों की बात करें, 5 लाख कश्मीरी जो अपने घर में ही शरणार्थी बन के रह गए, तो ये विभाजन का जो दंश होता है, ये विभाजन का जो पीड़ा होती है, ये सबसे ज़्यादा कौन झेलता है? ये बच्चे झेलते हैं, ये माताएं झेलती हैं, बहनें झेलती हैं, और इनका जो ऋण होता है वो पूरा समाज चुकाता है। तो मैंने अभी आपके सामने जो आज के अमेरिका की बात करी या जो आज के भारत की बात करी, उन दोनों ही घटनाओं से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम शिक्षा को जब तक मूल्यविहीन रखेंगे तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता, कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। एक शायर कहते हैं कि सभी कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गजब है, आदमी इंसान नहीं होता। हम आज चांद तारों तक पहुंच गए, आज हमने अंतरिक्ष को भी बांध लिया, आज हम मंगल तक भी पहुंच गए, लेकिन इंसानियत के आज जो सबसे बड़ा जो मूल्य है इंसानियत का, मनुष्यता का, वेद कहते हैं, अगर आप ऋग्वेद पढ़ें, मनुर्भव, ये जो सबसे बड़ा मूल्य हमारा वेद कह रहा है, जो सबसे प्राचीन विश्व का प्रकाट्य ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है ऋग्वेद, वो कहता है पहली लाइन में, मनुर्भव, मनुष्य बनो। जब तक आप मनुर नहीं बनोगे, आप मनुष्य नहीं बनोगे, तब तक आप विश्व में कहीं भी चले जाएं, इंसानियत बहुत बड़ी ताकत होती है। और अगर हमने अपनी शिक्षा के द्वारा एक अच्छे साइंटिस्ट को बना दिया, एक अच्छे टेक्नीशियन को बना दिया, लेकिन अगर हम एक अच्छा मनुष्य पैदा नहीं कर पाए, जो समाज के बारे में सोचे, जो समाज का चिंतन करे, जो राष्ट्र का चिंतन करे, जो राष्ट्र प्रथम की भावना से जिए, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो मैथिली शरण गुप्त की इस भावना से जिए कि मुझे अपना ही नहीं, अपने अलावा व्यष्टि का नहीं, मुझे समष्टि का भी ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हमारे वेदों की तरफ देखें तो वो तो अंतरिक्ष तक की शांति की बात करते हैं, पाप की शांति की बात करते हैं, अंतरिक्ष शांति, पाप अशांति, विश्व शांति की कामना करते हैं, औषधि की शांति की कामना करते हैं, नवग्रहों की शांति की कामना करते हैं। तो हमारे जो मूल्य हैं वो बहुत ही भौगोलिक, प्राकृतिक और मानवीय रहे हैं। गाय के लिए पहले ही रोटी निकालना, ताकि पशु जो है धन, जो हमें जीवन दे रहा है, उसके लिए पहली रोटी निकालना। कौआ जो बीट करके वृक्ष को पैदा कर रहा है, जो बरगद जैसा वृक्ष होता है, वो इंसान पैदा ही नहीं कर सकता, वो जब तक वो नहीं खाएगा उसके मल से नहीं बनेगा। तो वो कीट के लिए भी, पतंग के लिए भी हम सुरक्षा की भावना करते हैं। तो जिस राष्ट्र ने इस भावना से इतनी उन्नति करी, इतने वैज्ञानिक मूल्य हैं, आप अगर इस मूल्यों की लिस्ट बना लें, तो भारत की धरती ने जिन मूल्यों का अवलंबन किया, चाहे वो सत्य का मूल्य था, जिसके लिए राजा शिवी ने एक शिकारी के लिए कहने पर, जब उसका पकड़ा हुआ बाज राजा शिवी के हाथ आ जाता है, तो वो कहता है, मेरे शिवी कहते हैं मेरे पास शरणागत है, तो ये शिकारी कहता है कि मुझे तो आप आज इसका मांस खाना है, तो राजा शिवी अपनी जांग का मांस तोल करके बाज के वजन के बराबर मांस को दे देते हैं। तो देश में राजा शिवी जैसे, जिस देश में राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, वहां जब हम मोलेस्टेशन, ब्राइबरी और भ्रष्टाचार और इस प्रकार के जब हम आक्षेप देखते हैं, तो दुख होता है कि आज हम किस समाज का अवलंबन कर रहे हैं, किस समाज की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं अब्राहम लिंकन की बात कर रहा था कि अब्राहम लिंकन ने जब पहली बार अमेरिका की सीनेट, जो वहाँ की संसद को कहा जाता है, वहाँ बोलने का कार्य किया, तो उनके ऊपर कुछ लोगों ने बड़े भद्दे मजाक बनाए, जो वाइट्स थे, सो कॉल्ड, जो वहाँ के कुलीन वर्ग थे, उन्होंने कहा, अब्राहम लिंकन, आपको पता होगा अब्राहम लिंकन एक जो जूते बनाते थे उनके एक परिवार से आते थे, हमारे यहाँ तो जूते बनाने वाले भगवान रैदास तक भी हुए, जो संत रैदास के नाम से हम जानते हैं। हमने अपने यहाँ पर भारतीय परंपरा में ये कभी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उनको
इब्राहिम लिंकन साहब वहाँ पर ये लिखते हैं अपनी आत्मकथा में कि सीनेट में उनको पहले ही दिन कहा गया कि आप जूते बनाने वाले के बेटे हो, आज आप यहाँ देश के लिए क्या बनाओ। और एक सभासद कहता है, मिस्टर लिंकन, डू यू नो द शूज विच आई एम वेयरिंग इज मेड बाई यूअर फादर एंड इट्स वेरी नाइस एंड इवन माई 3 generations आर वेयरिंग द शूज। अब्राहम लिंकन उसका क्या जवाब देते हैं? अब्राहम लिंकन कहते हैं, माननीय सभासदों, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये बात ज्ञात करवाई कि मेरा जन्म एक जूते बनाने वाले मोची के घर में हुआ। और उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिता इतने उच्च स्तर के जूता बनाया करते थे कि आपको आज तक उसमें से कोई शिकायत नहीं हुई होगी। और आप कह रहे हैं आपकी 3 पीढ़ियों ने भी उन जूतों का प्रयोग किया, यानी उस स्तर के जूते बनाने आज तक किसी को नहीं आए। और मैंने भी खुद जूता बनाया है, अपनी पूरी शिक्षा के दौरान मैं जूते बनाते रहा और मैं आगे बढ़ता रहा। हजारों बार वो असफल होते रहे, कई बार उन्होंने सीनेट के लिए चुनाव लड़ा, राष्ट्रपति से पहले वो सभासद बनने के लिए, मेयर बनने के लिए। अब्राहम लिंकन के निजी जीवन को आप पढ़ें तो इतना ज्यादा दुख और इतने ज्यादा अवरोध एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, आप अब्राहम लिंकन के जीवन को देख सकते हैं कि किस तरीके से हर बार हार हुई लेकिन हर बार हार के भी वो व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा रहा। और हर बार वह व्यक्ति अपनी समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की भावना से उसने हार नहीं मानी। अटल जी कहते हैं अपनी कविता में, हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं मानूंगा, काल के कपाल में लिखता और मिटाता हूँ। उसी तरीके से अब्राहम लिंकन का भी जीवन रहा। आप अगर किसी भी संघर्षशील व्यक्ति का जीवन देखेंगे वो कंटकाकीर्ण रहा होगा। तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि मेरे पिता अगर इतने अच्छे जूते बनाते थे तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वो बहुत मेहनती थे। तो उस दिन उन्होंने अमेरिका की सीनेट में डिग्निटी ऑफ लेबर पर जो स्पीच दी और वहीं से विश्व को एक नया संबोधन मिला, एक नया पंचलाइन मिली, डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम का महत्व। ये तो हम भारतीय हैं जो शायद अभी भी श्रम के महत्व को डिग्निटी ऑफ लेबर के हिसाब से नहीं किसी को जज करते या किसी का आकलन करते, हम अभी भी रुतबा, पैसा, जात इस आधार पर। लेकिन आज अगर आप अमेरिका की तरक्की, इकोनॉमिक फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ, आज जो अमेरिका ने इकोनॉमिक फील्ड में जो विश्व में सबसे बड़ा पद हासिल किया वो उनके यहाँ पर जो महत्व दिया उन्होंने डिग्निटी ऑफ लेबर को दिया। इसीलिए बाद में मार्टिन लूथर किंग जैसे बड़े वहाँ पर नेता पैदा हुए जिन्होंने आई हैव ए ड्रीम नाम की कविता लिखी और पूरे विश्व को ये संदेश दिया कि व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है ना कि अपने जन्म से। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि जन्मते जायते शूद्रे संस्कारे द्विज उच्चते, कि हम सब अपने कर्म से ही महान बनते हैं। कर्म प्रधान जगत जति राचा, जो जस करही तसही फल जाका। कर्म प्रधान जगत रचि राका, ये जो कर्म का खेल है। हमने अपने विद्यालयों में, अपने समाज में ऐसे अब्राहम लिंकन जैसे व्यक्तित्व को बनाने का कार्य करना है। और ये जो सबसे बड़ा जो मानवीय मूल्य है वो है हम श्रम यानी लेबर को डिग्निटी यानी उसके महत्व को दें। हमारी पूरी की पूरी जो कवायद है, जो आज हमारी पूरी शिक्षा की बहस है, वो डिग्री लेने तक ही सीमित रह गई। वो सिर्फ डिग्री लेना, सर्टिफिकेट देना, विश्वविद्यालयों का दो ही काम रह गया, मानवीय मूल्य देना नहीं रह गया। उसका तो मान लिया गया कोई जिक्र भी नहीं करता, उसको देने का काम तो मान लिया गया परिवार करेगा, उसको तो हमने संस्कारों से जोड़ दिया। पर अगर ऐसा है तो आज एक MBA अगर कोई क्राइम करता है, और आज बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो व्हाइट कॉलर्स कर रहे हैं, अनपढ़ व्यक्ति कभी क्राइम नहीं करेगा। वो करेगा भी तो उसका क्राइम का लेवल वो नहीं होगा। हर्षद मेहता जैसे बड़े पढ़े लिखे ही हुए जिन्होंने इतने बड़े बड़े घोटाले करे, या 2G 3G 4G ये जितने भी स्कैम हुए पीछे से, वो सब बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोगों ने ही किए, क्योंकि उनको पता है कि कानून से कैसे बचा जा सकता है। कितने ऐसे नेता हैं जो आज तक कानून के दायरे में आए आप जानते हैं, मुझे यहाँ इस मंच से बताने की आवश्यकता नहीं। तो मैं सिर्फ आपको यही इशारा करना चाहता हूँ, शिक्षा को मात्र डिग्री बांटने तक समझ लिया गया
और इसका काम सिर्फ सर्टिफिकेट बांचना रह गया। जब तक आप शिक्षा का सरोकार मूल्य तक नहीं डालेंगे, अगर जब तक आप इसको मूल्यों के साथ नहीं जोड़ेंगे, जब तक आप शिक्षा का सरोकार समाज से नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। तब तक ये राष्ट्र समाज की तरफ अग्रसर नहीं हो सकता। तो मुझे ये लगता है कि आज जो है जो सबसे बड़े मूल्य रह गए हैं वो सिर्फ गेन के इन प्रकार आगे बढ़ना, और उस भौतिकवादी परिपेक्ष में हम पीछे छोड़ आए वो गलियां जहां कभी दया होती थी, जहां कभी करुणा होती थी, जहां कभी सत्य बसता था। इसीलिए आज भी आप देखें हुंडको उपनिषद से लेकर जितने भी उपनिषद हैं वहाँ सत्यमेव जयते, ट्रुथ विल ट्रम्प की बात की जाती है। और हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम आज ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर जितना बड़ा व्यक्ति होता है, जितना बड़ा उसके पास रुतबा होता है, वो इस आधार पर नहीं देखा जाता कि उसने कितने कष्ट झेले। अगर आपने जीवन में कष्ट को देखना हो और मूल्यों की खान अगर आपने अगर देखनी हो तो आप महात्मा गांधी के जीवन को भी देख सकते हैं। आप अगर महात्मा गांधी तक भी ना जाएं, आज और हमने जिन व्यक्ति को देखा, आप APJ अब्दुल कलाम को भी देख सकते हैं। एक मछुआरे के घर में पैदा होने और उसके बाद उन्होंने अखबार तक बांचे, उसके बाद उन्होंने मद्रास से अपनी डिग्री हासिल की जबकि उनको पूरी सुविधा मिली थी कि विलायत जाके पढ़ सकते थे, और मिसाइल मैन तक की जो उनकी यात्रा थी, उस पूरी यात्रा में अगर आप ये देखें तो कहीं ना कहीं मूल्यों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला रही। भारत की मिट्टी से प्रेम, वो चाहते तो शायद नासा में जा सकते थे, वो DRDO में साइंटिस्ट नहीं बनते, वो विश्व के किसी बड़े देश में चले जाते। जर्मनी से उन्हें ऑफर था, उनको विश्व के बहुत बड़े बड़े देशों से ऑफर था, उन्हें नासा तक से भी ऑफर था, लेकिन वो अपने देश की मिट्टी से जुड़े हुए थे, वो यहीं रहे। अग्नि, शूल, नाग और बहुत सारी मिसाइलें उन्होंने भारतीयों को दी, भारत का न्यूक्लियर पावर बनने में आज उनका स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाता है, और बाद में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। तो अगर आज आप देखें कि भारत के अंदर इतना बड़ा व्यक्ति आया और चला गया, आज भी कहीं रामेश्वरम के किसी कोने में उनकी कहीं ना कहीं मज़ार है, उनकी समाधि है, और वो भी वहाँ से भी शायद जब तक वो रहे आखिरी सांस भी उन्होंने शिलोंग में, IIM शिलोंग में पढ़ाते वक्त अपने विद्यार्थियों के बीच में कितना बड़ा मूल्य उन्होंने दिया या अंतिम सांस तक वो काम करते रहे। जो वो कहा करते थे कि वक्त की हर कमी को मैं भरता रहूं, वक्त को चीर कर मैं आगे निकलता रहूं, है यही आरजू, बस यही है तमन्ना, आखिरी सांस तक मैं काम करता रहूं। ऐसे ग्रेट मैन, ऐसे नोबल मैन APJ अब्दुल कलाम भारत की धरती को मिले, जिसके एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान होती थी। इतना बड़ा समन्वयवादी व्यक्तित्व हमने अपनी आंखों से देखा, तो आज भी ऐसे रोल मॉडल्स आपको देखने में मिल जाएंगे। ई श्रीधरन जैसे मेट्रो मैन जिन्होंने दिल्ली की शक्ल बदल दी और आज शायद केरल के किसी छोटे से गांव में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्पष्टवादिता, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्होंने दिल्ली मेट्रो का निर्माण किया, और इतने सारे ट्रबल्स, इतनी सारी समस्याओं के बाद भी दिल्ली में भूमिगत मेट्रो चलाई। ऐसे ऐसे स्थानों से मेट्रो निकाली जहां 400, 400, 500, 500, 600, 600 सालों पुरानी बिल्डिंगें खड़ी, उनके नीचे से निकाली, इसीलिए उन्हें मेट्रो मैन कहा। ऐसे बहुत सारे TN शेषन, तो मैं ऐसे कुछ लोगों का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ। महात्मा गांधी, जिनके बारे में आइंस्टीन को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि महात्मा गांधी के जीवित रहते हुए भी मुझे नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ कि पुरस्कार मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी को दिया जाए। तो क्या नोबेल मिलने से आइंस्टीन बहुत बड़े हो गए या महात्मा गांधी बहुत छोटे हो गए? जो आइंस्टीन कहते हैं कि आने वाली दुनिया कभी इस बात पर यकीन नहीं करेगी कि एक हार्ड मास से बना हुआ व्यक्ति इस धरती पर चला था, वो व्यक्ति जो सब कुछ
उस प्रिटोरिया जैसे अफ्रीका के राज्य, अफ्रीका में जब अपनी बात अफ्रीका में छोड़ आता है और यहाँ पर कुछ भी लेके नहीं आता, वो जो फिनिक्स आश्रम बनाता है जिसकी वहाँ पर बहुत महंगी जिसकी वकालत थी, वो सब छोड़ करके एक आवाज़ में बाल गंगाधर तिलक के कहने पर और ऐसे ही कई जन नायकों की पुकार पर, गोपाल कृष्ण गोखले जिनको अपना राजनीतिक गुरु कहते थे उनके मार्गदर्शन में वो भारत आते हैं, और आने के बाद भी वो एक दिन भी अपना विश्राम नहीं करते, वो सीधे चंपारण जाते हैं और चंपारण में जाकर के वहाँ के किसानों की बुरी हालत देखते हैं और वो देखते हैं कि किस तरीके से उनसे लगान लिया जा रहा है। उस दिन वो व्यक्ति ये प्रण लेता है कि मैं अब भारत माता को अपना समर्पण, अपना सब कुछ दूंगा, और उसके लिए जो बलिदान देना पड़े, परिवार का बलिदान, बच्चों पर समय ना देना और बहुत सारे सेक्रीफाइस, कोई राजनीतिक पद नहीं लूंगा। आज के दौर में ऐसी उदाहरण बहुत कम मिलते हैं कि अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं लिया, जो कुछ लिया वो राष्ट्र के लिए लिया। बाद में उस स्थिति का क्या हुआ ये मैं उस प्रश्न पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, माई लाइफ इज माई मैसेज, ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके पास इतनी जीवटता है। तो विश्व में ऐसे बहुत सारे जननायक हुए, उन सभी जननायकों ने यही हमें संदेश दिया कि जब तक साहस और संबल आपके पास नहीं है, आप दुनिया में कुछ नया क्रांतिकारी कदम नहीं उठा सकते। भगत सिंह को पता था कि वो 23 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया को जाने वाले हैं और वो चाहते तो शायद माफी मांग के बच सकते थे, लेकिन वह व्यक्ति अपने को मातृभूमि के लिए बलिदान कर देता है और अपनी माँ को भी ये लिखता है कि शायद मेरी खून से निकला हुआ हर अक्ष भारत माता को आज़ाद कराएगा। सुभाष चंद्र बोस, उनकी पूरी की पूरी फॉरगॉटन आर्मी किस तरीके से अपना सर्वस्व देती है, तो वो कौन से मूल्य थे कि जिसमें हम अपने राष्ट्र को, अपने भावनाओं को सबसे ऊपर रखा करते थे। लेकिन जब मैं और मेरा, मैं हम सिमट के रह गए, जब इस स्थिति में हम सिमट के रह गए, तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में बहुत हद तक आज आप देखें शहरों से पलायन हो रहा है, गांव की तरफ आप देखें कि बहुत सारे मजदूर गांव से गांव की ओर जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उनको पता है गांव में फिर भी हमें जिंदा रहने का हक है, शहरों की तो हवा भी दूषित है, शहरों में तो पानी भी दूषित है, शहर फिर भी नहीं खिला पाएंगे, गांव तो शायद फिर भी अनाज खिला देगा, गांव फिर भी पेट भर देगा, थोड़े में गुजारा हो जाएगा, किसी का किराया नहीं देना पड़ेगा। तो ये बात आज भी सत्य है कि भारत की जो आत्मा है वो आज भी गांव में है, वो आज भी गांव तक ही है। इसीलिए आप देखें कि कितना बड़ा पलायन हुआ और इस लॉकडाउन ने एक और मूल्य जो हमसे कहीं ना कहीं छीना कि हमने आज उन के साथ न्याय नहीं किया। किस प्रकार का न्याय नहीं किया? कि हमने उनको इस अवस्था में जाके छोड़ दिया कि वो जहां हैं वो वहीं रहे, और उनको भरोसा नहीं था शहरों के ऊपर, उनको शहरों के नागरिकों के ऊपर व्यवस्था नहीं, उन्होंने व्यवस्था के ऊपर भी भरोसा नहीं था, वो सिर्फ एक ही बात कह रहे थे दिल्ली से, बेंगलोर से, मुंबई से कि किसी तरीके से अपने गांव चले जाए। और यही हाल विश्व का है कि जितने भी भारतीय बाहर गए हुए उन्हें भी पता है कि भाई अपने देश में वापस आ जाओ। तो कहीं ना कहीं संकट ये बताता है, जब आता है संकट कि राष्ट्र के ऊपर कोई जज्बा नहीं होता, और जो ये राष्ट्र है यही भावना हमें सबसे ऊपर रख के चलनी पड़ेगी। तो मुझे जो बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जिसके ऊपर मैंने अभी उदय प्रताप सिंह जी की आपसे एक बात बताई थी कि वो कहते हैं कि पढ़े लिखों में करुणा की कमी है, और जो वे लिखते हैं कि कभी कभी सोचा करता हूँ कि वो बेचारे चले गए हम लोगों के जीवन में जो खुशियाँ लाने के चक्कर में चले गए, हम लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने के चक्कर में ये लोग तो गुमनामी बाबा के रूप में ही सही, आज़ाद हिंद फौज का इतना बड़ा नायक,
जिसने देश के लिए इतना कुछ सर्वस्व बलिदान किया, और ऐसे ही देश के बहुत सारे नायक। हम अपने आप तक सीमित रह गए। जो अपने बाहर अपने आप से बाहर निकलता है वही महात्मा बुद्ध कहलाता है। जो अपने आप में सीमित रहता है वो शायद कोई समाज में बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। आज हर कोई ये सोचता है भगत सिंह अगर पैदा हो तो पड़ोस में हो, वो ये सोचता है कि अगर भगत सिंह पैदा हो तो अपने घर में ना हो। क्योंकि हम ये सोचते हैं अगर अपने घर में पैदा होगा तो फिर समाज के लिए क्रांति का कार्य करेगा, और हम क्रांति नहीं चाहते। हम किसी भी प्रकार की समाज के अंदर वो नहीं चाहते। इसीलिए जो आज हमारी शिक्षा है वो विमुखीकरण कर रही है, वो पलायनवादी होती जा रही है। कि आज हर नौजवान जो चाहता है वो चाहता है कि अपनी इस मिट्टी से निकल के दूसरे राष्ट्रों में जाना, और वहाँ जा कर के उन राष्ट्रों की सेवा करना, उन राष्ट्रों के लिए अपना सब कुछ देना। वो न्यूयॉर्क में जाना चाहता है, वो एडिलैंड में जाना चाहता है, वो अमेरिका में जाना चाहता है, वो वहाँ बस करके उन पर अपना जीवन देना चाहता है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा के लिए जो आज जो सबसे बड़ा जो पिलर होना चाहिए, जो शिक्षा का जो सबसे बड़ा मूल्य होना चाहिए किसी भी राष्ट्र के लिए, जो आज सबसे बड़ी जो भावना होनी चाहिए, जो भारत आज विकसित राष्ट्र 71 वर्षों से हम जो कह रहे हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, हम किस दिन कामयाब होंगे? हम तब कामयाब होंगे जब हमारे यहाँ पर जो कुछ मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, वो जब तक शिक्षा में अवलंबित नहीं होंगे, जब तक उनका प्रचार प्रसार नहीं होगा, जब तक शिक्षा का आधार मानव मूल्य नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम तरक्की के रास्ते पर नहीं चल सकते। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है वो मूल्य है, वो है सहयोग का मूल्य। आज के वर्तमान समय का जो सबसे बड़ा पिलर कह लीजिए, शिक्षा में जो सबसे बड़ा मूल्य कह लीजिए, वो है सहयोग, सहयोग आधारित शिक्षा। जब तक आप सहयोग आधारित शिक्षा, जब तक आप शिक्षा के माध्यम से कोऑपरेशन डेवलप नहीं करेंगे, सहयोग हर प्रकार का, परिवार में सहयोग, समाज में सहयोग। अब आप देखेंगे आज इस लॉकडाउन की स्थिति में, जब 2-3 महीने लॉकडाउन चला, लोग घरों में रहे, किसी भी प्रकार की बाहर की कोई भी सुविधा, किसी भी प्रकार का कोई भी बाहर से कोई आना जाना था नहीं। उसके बाद लोगों ने क्या जीना छोड़ दिया? सब लोगों ने घर के कार्य स्वयं किए, सब ने अपने कार्यों में खुद हाथ बटाया, अपने बच्चों के साथ रह करके हाथ। तो ये जो मूल्य थे परिवार में, जो सहयोग का मूल्य था, जो हमारे यहाँ पहले भी परंपरा थी, वो परंपरा जो थी वो परंपरा थी कि हम मिलजुल के रहा करते थे, संयुक्त परिवार की परंपरा थी, वो एकल परिवार में बदल गई। देखते देखे देखते किस तरीके से संयुक्त परिवारों का विखंडीकरण होता चला गया। जो संयुक्त परिवार में जो सबसे बड़ी भावना होती थी, जिसमें कहता हूँ जो सबसे बड़ा मूल्य होता था, वो था सहयोग। हर बड़ा दूसरे के साथ सहयोग करके चलता, और ये जो मूल्य था ये बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप इनकलकेट होता चला जाता, ये आगे बढ़ता चला जाता था। लेकिन आज जो ये मूल्य था सहयोग का, जो मूल्य है आज पड़ोसी पड़ोसी का सहयोग करना नहीं चाहता। दिल्ली जैसे महानगर में जिन अपार्टमेंट्स में हम रहते हैं, वहाँ कोई ऊपर वाला नीचे वाले को, और नीचे वाला ऊपर वाले को, और आमने वाला सामने वाले को, सामने वाला बगल वाले को नहीं पहचानता। कितनी बड़ी विडंबना है। अगर आप गांव में कस्बों में जाएं तो आज भी लोग एक दूसरे को सलाम दुआ राम राम बोल देते हैं। कितना बड़ा समाज था, कितना बड़ा मूल्य था सहयोग का मूल्य। कि किसी का वैसे ही पानी कुएं पर गए तो बाल्टी रख दी, किसी के सर पर अनाज की बोरी चढ़वा दी, और बड़े छोटों का आदर करते थे, बुजुर्गों की सेवा की जाती थी, उनको बच्चों और बुजुर्गों को पूरे गाँव का पूरे समाज का माना जाता था। आज मैं देखता हूँ पार्क के अंदर बुजुर्ग बैठे अकेले दूर दूर बैठ करके अपना दुख दूर कर रहे हैं, परिवार की व्यथा नहीं बताते, अपने दिल की बात नहीं बताते, राजनीतिक मुद्दों पे बात करते हैं, पर असली बात यह है कि टूटन है, एकाकी है, अंदर से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है वो, इस वजह से शायद उनको सुनने वाला कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ी जो संवेदना का जो मूल्य था, जो सिंपैथी का जो मूल्य था, जो इम्पैथी का जो मूल्य था, जो अपना दुख बांटने की जो भावना होती थी, जो कह सुन के अपने दर्द को बाहर निकालने की जो भावना होती थी, वो आज खत्म होती चली जा रही। कोई किसी का दर्द, कोई किसी का दुख बांटने वाला नहीं। फिल्म का एक गाना है जो कई बार बहुत याद आता है, कि सीने में जलन दिल में तूफान सा क्यों है,
इस शहर में हर शख्स परेशान सा है कि जो देखिए वो भाग रहा है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। हर आदमी अपने आप में गुम है, जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता। तेरे जहर में ऐसा नहीं कि प्यार नहीं, तेरे शहर में ऐसा नहीं कि प्यार नहीं, पर जुबां मिली है कि हम जुबां नहीं मिलता। तो अगर आप ये देखें कि हम जिस महानगरी जीवन में रह रहे हैं, वहाँ संवेदना का मूल्य, वहाँ सहयोग का मूल्य, वहाँ आपसी भाईचारे का मूल्य सिर्फ पैकेज, अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी, क्या यही जीवन है? अगर इतना ही जीवन रह जाता तो मुझे लगता है तो इतना तो पशु भी कर लेते हैं, वो भी अपने लिए शाम तक खाने पीने का बंदोबस्त कर लेते हैं। तो जो एक राष्ट्र के रूप में, हमारे देश के रूप में जो सबसे बड़ा मूल्य था, संवेदना का, इस संवेदना के मूल्य के ऊपर मैं जरा सी बात आपके साथ करना चाहता हूँ। कि अभी मैं पढ़ रहा था कि जापान के दो नागरिक रूस के पूर्व राष्ट्रपति गर्बाचेव की कक्षा में पढ़ते थे, और गर्बाचेव जो हैं आप पता है रशिया के बहुत बड़े पावरफुल प्रेसिडेंट्स में रहे। तो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब एक दिन उनकी कक्षा में दो उनके जापानी साथी, एक पेंसिल को छिल रहा था और दूसरा पेंसिल से लिखता था, तो उन्होंने उससे पूछा कि भैया आप दोनों अलग अलग पेंसिल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? उन्होंने कहा हमारी पेंसिल कच्ची है, टूट जाती है, वो उस क्वालिटी की नहीं, इसलिए हम एक जना छिलता है तो दूसरा नोट्स बनाता है। तो उन्होंने कहा यार फिर तुम इंग्लैंड वाली, अमेरिका वाली भैया वो ले लो। उन्होंने कहा करुणा भय भाव से कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, तो उसकी दाम कम है और वो अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन अगर हमने अपनी पेंसिल्स का इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो दुनिया में कौन हमारी पेंसिल्स का इस्तेमाल करेगा? एक दिन दुनिया को जापान बता देगा कि जापान की पेंसिल भी किसी से कम नहीं। साथियों, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिरोशिमा नागासाकी जैसे दो बड़े महानगरों को खोने के बाद भी वो राष्ट्र इतनी जल्दी अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है, वो विश्व की इतनी बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो भावना थी वो सहयोग की भावना है, वो राष्ट्र प्रेम का भावना है, वो मूल्य है। वो मूल्य हम नहीं जगा पाते। हम अभी भी दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय और बहुत 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 तरीके की अन्य उसमें जीवन को जी रहे हैं, हम अभी भी खांचों में बटे हुए। शिक्षा, ये जो जो भावना होनी चाहिए थी कि वो राष्ट्र प्रेम की भावना पर है, और एक जो जो सबसे बड़ी बात होनी चाहिए गर्व का भाव, वो गर्व की भावना नहीं। अभी पीछे मैं सुन रहा था कि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे तिब्बत के बच्चे रहते हैं, हमारे विश्वविद्यालय में भी पढ़ते हैं और भी विश्वविद्यालयों में भी पढ़ते हैं। पीछे चाइना के राष्ट्रपति मिलने आए तो उन्होंने दिल्ली में बहुत प्रोटेस्ट किया, तो मैंने एक तिब्बत के बच्चे का वॉल पढ़ा जो उसने लिखा हुआ था। उसने लिखा था कि हमारी ये इच्छा है कि हम ल्हासा में जाकर के अपने जीवन की अंतिम सांस लें। उन्होंने लिखा हम भारत के एहसानमंद हैं, हम यहाँ पर आज भी भारत के को अपना ही राष्ट्र मानते हैं, लेकिन हमारा जो मातृभूमि है वो तिब्बत है। वो निर्वासित जीवन जी रहे हैं, उनकी आज तिब्बतियों की निर्वासित सरकार है, हिज हॉलीनेस दलाई लामा उनके अध्यक्ष हैं उस सरकार के, और उसके बाद आप ये देखते होंगे कि आज भी वो लोग अपनी राष्ट्रीयता में तिब्बत ही लिखते हैं, क्योंकि तो उनके भावनाएं तिब्बत से जुड़ी हुई हैं और वो ये चाहते हैं मरते तक उनको कहीं ना कहीं तिब्बत मिले। तो ये जो भावना थी, ये जो प्रेम है, ये अपनी मिट्टी के प्रति, ये जो गर्व करने का भावना है, ये तभी आती है जब हम इन मूल्यों को इंकल्केट करें, माता की लोरियों से, माता के दूध से ये बात इंकल्केट होती है। इसीलिए मातृ देवो भव, इसीलिए पितृ देवो, उसके बाद आता है आचार्य देवो भव। आचार्य यानी शिक्षक, यानी हम और आप। हमारे यहाँ तो आचार्य के बाद हम अतिथि को भी देव मानते हैं, अतिथि भी देव है। हमने तो आज तक ये माना है कि विश्व में जो भी आया अतिथि बन के आया, वो बात और कि अतिथि आने के बाद वो यहीं कभी यहाँ की मिट्टी में ही रह गया, लेकिन भारत ने कभी भी किसी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण नहीं किया। आक्रमण सहे अवश्य हैं, लेकिन कभी किसी को आक्रमण नहीं किया, लेकिन ये हमारी कायरता नहीं थी, ये हमारी सहनशीलता थी, क्योंकि हमारी संस्कृति में सहनशीलता और असिमिलेशन
आत्मसाथीकरण, ये बहुत बड़े मूल्य हैं। लेकिन आज शायद हमें अपनी सहनशीलता से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जैसे रामधारी सिंह दिनकर भी कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा जो है उस भुजंग को ही अच्छी लगती है जिसके पास विष हो, उसे नहीं जो दंतहीन निष्हीन वर्ण, जो केवल दंतहीन हो, विषहीन हो और सरल हो, उसे नहीं सो। तो आज दंत दिखाने की भी आवश्यकता पड़ रही है कि चाइना जैसा राष्ट्र इतने आगे तक निकल आया। अभी सोनम वांगचुक कह रहे थे कि हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमें कब तक उन राष्ट्रों को ही समृद्ध करना है, कब तक उनकी दी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, कब हम इस मूल्य को गढ़ पाएंगे कि हम अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी टेक्निक को का डेवलपमेंट कर पाएंगे, कब तक चाइनीज गैजेट्स के साथ। उन्होंने अपने यहाँ पर गूगल को एंट्री नहीं दी, उन्होंने अपना सर्च इंजन बना लिया, लेकिन हम कब तक आएंगे। तो ये तमाम स्वदेशी की जो भावना है, ये एक बहुत बड़ा मूल्य है। और एक जो बहुत बड़ा जो शिक्षा को कार्य करना पड़ेगा, वो जगाना पड़ेगा, जो प्रेम है वो है राष्ट्र प्रेम। राष्ट्र प्रेम जब तक नहीं आएगा, तब तक हम किसी भी बड़ी ताकत का के सामने हम तब तक नतमस्तक रहेंगे, क्योंकि हम जब तक खांचों में बटे रहेंगे, हमारी शिक्षा जब तक फ्रेगमेंटेड रहेगी, फ्रैक्चर्ड रहेगी, तब तक हम उस औपनिवेशिक सोच से निकल नहीं पाएंगे। और यही औपनिवेशिक सोच है जो इतने वर्षों बाद भी, 70-72 वर्ष, आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी, 1947 से 2020 में आज हम जा रहे हैं, उस और गौरांग ग्रंथि, उस औपनिवेशिक शिक्षा से हम बाहर नहीं आए। अपनी भाषाओं में बात करना, अपनी भाषाओं में वाद विवाद करना, हमको अभी भी यही लगता है कि घर का जोगी जोगड़ा और गांव घाट का सन, कि जो बात अंग्रेजी में की जाए, जो बात दूसरी भाषाओं में कही जाए, वो बहुत बड़ी कोई गोल्डन वर्ड्स या कोई बहुत बड़ा ब्रह्मसूत्र हमने कह दिया। लेकिन आज भी आप अंग्रेजी को साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं कहते, संस्कृत से बड़ा कोई भी, संस्कृत से बड़ी कोई भी वैज्ञानिक भाषा नहीं है, जो मैं नहीं कह रहा, मैक्स मूलर पढ़ लीजिएगा, ये मैक्स मूलर ने कहा। और इसी प्रकार की भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो मूल्य संस्कृति है, उसमें अगर आप जाएंगे तो विनम्रता का भाव आएगा। तो जो आज जो एक सबसे बड़ा जो मूल्य है वो विनम्रता का, और विनम्रता का भाव अगर आपको सीखना हो तो भगवान राम के जीवन से देख सकते हैं कि रघुकुल में इतने बड़े साम्राज्य में पैदा होने के बावजूद भी जिस व्यक्ति के अंदर विनम्रता का कितना बड़ा भाव था कि आज त्रेता युग के बाद कलयुग में भी हम भगवान राम को ही उपमा देते हैं, और वो भगवान राम साहस और विनम्रता का सम्मिश्रण है। वो जीवटता और साहस का, संबल का एक बहुत बड़ा द्योतक है, एक बहुत बड़ा मीमांसा है। वो इसलिए क्योंकि वो रघुकुल के शिरोमणि होते हुए भी समाज के सबसे वंचित व्यक्ति शबरी तक जाते हैं, और वो उसके पास जाके भी, उसके साथ बैठ कर के भी वो भारत निर्माण का सपना देखते हैं, वो एक ऐसे युग निर्माण का सपना देखते हैं। क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि माता मैं इतनी दूर सिर्फ रावण को मारने नहीं आया, मैं इसलिए आया हूँ कि राष्ट्र ये कहेगा, जब कोई उनको ये आप राष्ट्र का जो इतिहास लिखा जाएगा कि एक राष्ट्र का नायक समाज के सबसे निचले हिस्से तक मिलने आता है, जब सबसे निचला हिस्सा राजा को बुलाता है तो राजा सबसे निचले हिस्से पर जाता है, जिसे अंत्योदय कहा गया, जो समाज के सबसे निचले स्तर पर रहने वाले वंचित हैं, वहां तक जब आपकी आवाज़ चली जाती है तो राष्ट्र विकसित हो जाता है। तो इस समाज का जो सबसे बड़ा मूल्य था, जो राम जी आदर्श आज भी है, वो विनम्रता का वो भावना थी, जिसमें वो कहते हैं कि कल राष्ट्र इस बात पर अवश्य ये गर्व करेगा कि एक जननायक समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक भी अपनी बात को कहने के लिए, उसकी बात को सुनने के लिए जाता है। उन्होंने कहा कि रावण का वध तो लक्ष्मण भी अपने अंगूठे के बाण से कर सकता है, मेरे लिए रावण का वध करना, मैं इसलिए इतनी दूर वन वन 14 वर्ष नहीं भटका हूँ, मैं इसलिए भटका हूँ कि मैं सब राष्ट्र के लोगों से मिल सकूँ, सब जनजातियों से, भीलों से, निषादों से, वानरों से, सबकी सेनाओं को बनाना, हर व्यक्ति को सुनना एक राजा का कार्य होता है। तो आज इस राष्ट्र में जो सबसे बड़ी सत्ता है, उसको जब तक अंतिम सत्ता तक वो नहीं जुड़ेगी, तब तक वो राष्ट्र विकसित नहीं राष्ट्र बन सकता। जब तक हम जापान और जब तक हम कोरिया जैसे राष्ट्र से नहीं सीखेंगे कि क्या होता है राष्ट्र प्रेम, क्या होता है करुणा का भाव, क्या होता है अपने अंदर का जो गौरव का भाव जो जगाने का काम शिक्षा करे, हमें लगता है जो सबसे बड़ा जो मूल्य होना चाहिए वो सहयोग, राष्ट्र प्रेम, विनम्रता और अच्छाई का पेड़ बोना चाहिए। हमें एक ऐसा पेड़ लगाना चाहिए जिसका साया दूसरे के आंगन तक जाना चाहिए।
एक ऐसी शिक्षा का पेड़ लगाना है। इस औपनिवेशिक शिक्षा ने एक इस प्रकार की बयार लाई कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम एक मानसिक गुलामी में ही लगे रहे, हम एमएनसी की गुलामी में रहे, हमने अपनी खुद की बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया। आज भी हम उन्हीं एमएनसी के ऊपर ही अपना पूरा का पूरा। अब इस संकट काल में आप अगर आपने देखा होगा, कोरोना के संकट काल में हमने कितनी बाहर की संस्थाओं ने, कितनी महान कितनी एमएनसी ने हमारा साथ दिया, हमारी अपनी जो इंडस इंडिजीनियस जो देसी कंपनियां थी उन्होंने ही सबसे ज़्यादा अनुदान दिया। सबसे ज़्यादा वही लोग आए, हमारे अपने देसी नायक सोनू सूद जैसे, हमारे अक्षय कुमार जैसे, ऐसे नायक रतन टाटा जैसे, जिन्होंने आगे आकर के देश के लिए और सभी लोगों ने जो कि देश से प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की जो समय की जो मांग है वो ये कहती है कि हम वो ताकतवर देश हैं जिसमें हमें अगर और अपने राष्ट्र को आगे ले जाना है तो ये जो महत्व होना चाहिए कि ये सोचना चाहिए कि राष्ट्र कैसे प्रगति पर जाए, कैसे हम अपनी शिक्षा के अंदर मूल्य जगा पाएं, कैसे हम अपने नागरिकों के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति का निर्माण कर पाएं। क्योंकि तो जब तक इस राष्ट्र के नागरिक जिज्ञासु नहीं होंगे, क्रिएटिव नहीं होंगे, और कब तक हम तोता रटंत व्यवस्थाओं से शिक्षा को चलाएंगे, तो जो सबसे बड़ा मूल्य है वो ये मूल्य है कि हम बच्चों को ओरिजिनल थिंकर या मौलिक चिंतन करने वाला व्यक्ति कैसे बनाएंगे। हमारी सारी की सारी पाठ्य सामग्री बौरोड, शिक्षा का अगर आप देखिए मनोविज्ञान की सारी लर्निंग की थ्योरी बौरोड है। अगर आप आज भी दर्शन की बात करें तो आप फ्रोबेल फेस्टोलॉजी और कार्ल मार्क्स और प्लेटो से ही शुरुआत करते हैं। कब तक आप, जब तक कक्षाओं में आप अपने मनीषियों की चर्चा नहीं करेंगे, तब तक साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के उन तमाम वैज्ञानिकों की चर्चा नहीं करेंगे, तो ये तब आएगा जबकि हम अपने विद्यार्थियों के अंदर जिज्ञासा का भाव और वह जो ओरिजिनलिटी का भाव है, इसी ओरिजिनलिटी को लेकर ही हमने देश में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे साहित्यकार गढ़े थे, जिन्होंने गीतांजलि में देश को नोबेल पुरस्कार दिलवाया था। तो ऐसे कितने गीतांजलि में हमने नोबेल पुरस्कार जीते हैं, ये तब तक नहीं हो पाएगा जबकि हम विद्यार्थियों को हम इस जिज्ञासा का भाव नहीं, जब तक हम उन्हें करुणा मूलक नहीं बनाएंगे, जब तक हम उनको सृजनशील नहीं बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज समय आ गया है कि हम अपने पाठ्यक्रम के अंदर उन मूल्यों का सृजन करें जो समाज की बुनियादी पीठ थे, जो समाज की बुनियादी रीढ़ की हड्डी थे। क्योंकि तो जो शिक्षा रीढ़ की हड्डी से विहीन होगी, जो शिक्षा समाज के सरोकारों से और जो शिक्षा मूल्यों से कटी हुई होगी, वो शिक्षा कभी भी हमें प्रगति के पथ पर नहीं ले जा सकती है। और इसीलिए मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करूंगा, जो आज मेरे साथ यहाँ साथी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भी टीचर एजुकेशन इन इंडिया के इस कार्यक्रम में इतने दिनों तक इस कार्य को देखा है, और सोमू जी के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी के सभी अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक ऐसी मौलिक शिक्षा का कामना करें। हम शिक्षा के विषय को आज भी हम एक डिसिप्लिन के तौर पर क्यों नहीं स्थापित कर पाए, आज भी एक एक अनुशांसिक विषय या एक फील्ड के तौर पर ही से क्यों पढ़ाया जाता है, जबकि पाली प्राकृत मैथिली भोजपुरी जैसी भाषाएं तक भी, मेरा किसी भाषा से कोई विरोध नहीं है, वो भी आज जो है कहीं ना कहीं यूपीएससी में आप उसको देख करके पेपर दे सकते हैं, पर शिक्षा विषय को लेकर के आप कोई भी पेपर ये सिविल सर्विसेज का नहीं दे सकते। और आप भी जानते हैं आज भी हमारे देश के नौजवानों में चाम है कि वो ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं। शिक्षा का व्यक्ति जो पास पढ़ता है वो सिर्फ अध्यापन तक क्यों रहे, वो एक ब्यूरोक्रेट क्यों ना बने, वो एक देश के नीति निर्माता क्यों ना बने, वो केवल स्कूल और एक कॉलेज में अध्यापक बन के क्यों रह जाए, उसका काम सिर्फ स्कूल और कॉलेजों तक क्यों हो। आज देखिए समाज में जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई उनके पीछे एक अध्यापक ही रहा है। अगर पूरे मगध वंश का पूरा डायनेस्टी खत्म करी नंद साम्राज्य की, वो एक शिक्षा की तरह से आप चाणक्य या कौटिल्य महान के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि शिक्षक जो है वो एक बहुत बड़ा सर्जक है, और उसकी जो शिक्षक की जो शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसमें इतने प्रयोग हम जो कर रहे हैं उसके साथ साथ ये प्रयोग भी करना चाहिए कि हम कैसे एक ओरिजिनल टीचर्स का निर्माण कर पाए। केवल डिग्रीधारी शिक्षकों का निर्माण नहीं करना, केवल वेतनभोगी शिक्षकों का निर्माण नहीं करना, ऐसे शिक्षकों का भी निर्माण करना है जो विद्यार्थियों का निर्माण करें, जो विद्यार्थियों के अंदर
ये भावना डाल सकें कि विद्यार्थी का असली जीवन कैसा होना चाहिए, जो उसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना। वो सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा देने वाली शिक्षा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो सिर्फ शिक्षा का काम है। मैं विद्या की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। शिक्षा और विद्या में बहुत बड़ा फर्क है, जो कभी किसी और मंच से आपके साथ मैं बात को रखूँगा। तो मुझे लगता है कि अगर हमने अपनी एजुकेशन को अपने भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, अपनी नीतियों के अनुसार, और अगर अपनी परिस्थितियों के अनुसार अगर हमने अपने देश की एजुकेशन को नहीं चलाया और हम उसी धर्रे पर चलते रहे जो 1854 में वुड डिस्पैच या 1835 में मैकॉले या उसके बाद 1882 में हंटर, अगर हम उसी परिपाटी पर चलते रहे और अगर हमने इसको बुनियादी शिक्षा के मर्म से नहीं जोड़ा, जिसको महात्मा गांधी जी कहते थे 3H, हेड हैंड एंड हार्ट, शिक्षा वो जो हृदय मस्तिष्क का और हाथ का विकास करे। केवल और केवल पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था नहीं करनी। हमने कुछ विवेकानंद भी समाज में गढ़ने हैं, कुछ महर्षि अरविंद भी गढ़ने हैं, जिन्होंने कारावास में रहते हुए भी देश के सामने वो समर्पण की भावना के साथ ऐसे ऐसे ग्रंथों का निर्माण कर दिया। हमने जो है स्वामी विवेकानंद जैसे प्रबोधनी देने वाले, देश के जनमानस को झंझकोरने वाले भी कुछ शिष्य पैदा करने हैं। तो मुझे लगता है उसके लिए आज समय आ गया है कि हम इंडिजीनियस एक मुहिम पैदा करें, शिक्षा शास्त्र को सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड तक ना रखें, इसको एक विषय तक भी ले जाएं, और शायद देश के नीति निर्माताओं तक भी ये बात कहने का हम पूरा साहस करें कि शिक्षा के साथ और शिक्षाविदों के साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया गया। एक ब्यूरोक्रेट शिक्षकों के ऊपर बाकी बैठाया जाता है और वो ब्यूरोक्रेट शिक्षा प्रणाली को चलाता है, चाहे वो कैबिनेट सचिव क्यों ना हो, वो भी एक ब्यूरोक्रेट ही है। लेकिन शिक्षा सचिव क्या किसी, हमें आज आचार्यों की बात करनी है, हमें कुल गुरुओं की बात करनी है, वाइस चांसलर्स की बात नहीं करनी, वो तो तर्जुमानी अंग्रेज दे गए। हमें कुल गुरुओं की बात करनी है, जो कुल का गुरु होता है। हमें प्रोफेसर्स की बात नहीं करनी, हमें आचार्यों की बात करनी है, आचार्य परमो धर्म की बात करनी है, जो राष्ट्र की चेतना को जगाने वाले ऐसे जननायकों की बात करनी है, जिनका जन्म शिक्षा के माध्यम से होता है। जिस देश की शिक्षा के अंदर ये मूल्य नहीं जगाए जाते, वहाँ पर ऐसे क्रांतिकारी बीज नहीं बोए जाते, वहाँ के लोग पिछलग्गू रह जाते हैं, और हम पिछले 75 वर्षों से पिछलग्गू ही बने हुए रहेंगे। हम कब तक सृजन करेंगे, कब तक हम नवीनता का अवलंबन करेंगे, कब तक हम अपनी एजुकेशन को एक सब्जेक्ट से निकाल, एक पूरा सब्जेक्ट बना, एक डिसिप्लिन बना पाएंगे, कब तक इसे हम फील्ड रहने देंगे, कब तक शिक्षकों को हम केवल प्राइमरी सेकेंडरी एलिमेंट्री टर्शरी और हायर एजुकेशन में बांटे रहेंगे। इस देश के शिक्षकों को इस हायरार्कीज़म से भी बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे कि विदेशों में होता है कि आप जितने बड़े लेवल पर चाहे शिक्षा लें, आपका आधार आपकी आपके ज्ञान से आंका जाता है, ये इस आधार पर नहीं कि आप किस स्तर के अध्यापक हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी पीड़ादायक बात है, जो जितना बड़ा प्रोफेसर होगा उसका कद उतना ही बड़ा होगा, और जो स्कूल का अध्यापक होगा उसका कद उतना ही छोटा होगा। हमने उसको PRT, TGT, PGT इन मानकों में व्यवस्था के लिए बात ठीक है, लेकिन अगर आप शिक्षकों से कोई उम्मीद करना चाहते हैं तो उनको जनगणना, पशुगणना, मतगणना और पोलियो वैक्सीन की ड्यूटी से लेकर के आप जितनी भी ड्यूटियों पे आप उनको व्यवस्था का एक पुर्जा बना करके लगा देते हैं, उस सोच से भी निकालना पड़ेगा। शिक्षकों को अपने हितों की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपने अंदर के इन मूल्यों की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि भगत सिंह कहते थे कि दूसरे के कंधों पर सिर्फ जनाजे निकलते हैं, दूसरे के कंधों पर सिर्फ अर्थियां उठती हैं, अपनी लड़ाई अपने कंधों पर लड़ी जाती है। तो साथियों, मैं इस बात से आपको यहाँ पर छोड़ना जाना चाहता हूँ कि हमें अपनी लड़ाई को खुद लड़ना है, अपने मानकों को खुद स्थापित करना है, जैसे कि आप विश्व के अन्य देशों में देखते हैं, चाहे जहाँ पर जो भी बड़ी लड़ाई हुई हो वहाँ पर वहाँ की शिक्षा का बड़ा हाथ रहा। चाहे आप पूरे यूरोप की लड़ाई देख लें, चाहे आप पूरी रेनेसा का आप पूरा पढ़ लें, चाहे आप पूरे के पूरे वियतनाम वॉर को अगर पढ़ लें, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक ही एक जननायक बन के है जिसने समाज को जगाया। चाहे आज पूरा का पूरा भारत की किसी भी क्रांति की बात करें, चाहे JP नारायण का आंदोलन देख लें, तो कहीं ना कहीं उनके पीछे भी एक शिक्षक ही था जिसने समाज को एक दिशा दी और हमारी दशा को भी बदलने का कार्य किया। तो ये दिशा और दशा तभी बदलेगी जबकि हम अपने देश के संविधान के उन मूल्यों को अवलंबित करेंगे, और जो सबसे बड़ा जो शैक्षिक अवसर का समानता का जो सिद्धांत और जो वो मूल्य हैं
जिसके द्वारा हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से वचनबद्ध है कि हर बच्चे तक शिक्षा का अधिकार पहुंचे। जो आरटी 2009 है उसको लेटर और स्पिरिट में, उसको पूर्ण प्राण और चेतनता के में, दोनों में ही उसको उसको जो है पूरा अवलंबन किया जाए। केवल और केवल कागजों तक शिक्षा, केवल लिटरेसी तक शिक्षा ना रहे, केवल 3 आवर्स रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक तक शिक्षा ना रहे, बल्कि शिक्षा वो है जिसको विवेकानंद ने कहा कि वो शक्ति जो कि आपके अंदर की भावनाओं को विकसित करे, प्रस्फुटित करे। इस प्रकार की शिक्षा जो आपके अंदर की शिक्षा के जो आपके अंदर के विचारों को प्रस्फुटित करे। सुप्त शक्ति तुम हे मानव उठो जागो प्रयाण करो, यह शक्ति ऐसी शिक्षा जो उस सुप्त शक्ति को जगाए। मुझे लगता है कि मैंने बहुत समय ले लिया, 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। यदि आपके विचार अगर आप प्रकट करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। जी, अगर मेरी बात आप तक पहुँच चुकी है तो मैं कुछ गौरव जी धन्यवाद, आपने थोड़ा साउंड के विषय में बोला। जी जी तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वार्तालाप से बहुत हद तक आप तक मेरी बात पहुंची होगी, और यदि किसी प्रकार का तकनीकी व्यवधान रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं और प्रार्थी हूं। मुझे लगता है कि अगर हमारी बात इस मंच से उस बच्चे तक भी पहुंचे जो कि यहाँ से बहुत दूर दूर तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज इस अवस्था में हम लोग रह रहे हैं कि जब के विश्व में, आज पूरा विश्व पूरी तरीके से घरों में कैद है, लेकिन भारत के अध्यापक आज भी अपने बच्चों के साथ लगे हुए हैं। वो उनसे पूछ रहे हैं, आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज़ आ पा रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या मेरी बात। मैंने देखा हमारे सारे के सारे अध्यापक पूरी तरीके से इस कार्य में तल्लीन हैं, अपनी बात को कह रहे हैं। और मैं नमन करता हूँ अपने उन गुरुओं को, अपने उन शिक्षकों को जिन्होंने अपने पूरे प्राण देकर के भी, अपना सब कुछ देके भी, ये ऋषि दधीच की जननी रही है ये धरा जहाँ पर ऋषि दधीच जैसे रहे, जिन्होंने अपनी हड्डियों को भी वज्र बनाने के लिए इंद्र को दान कर दिया था। तो ऐसी शिक्षा देने वाला देश जहाँ पर गुरुओं की परंपरा रही, जहाँ पर जब आप देखते होंगे सिकंदर महान इस धरती पर आया तो सिकंदर के गुरु ने उससे कहा कि भारत को जब तुम जीतने जा रहे हो तो ज़रूर वहाँ से कम मेरे लिए एक तो वहाँ से गंगा का जल, एक वहाँ से गीता, और वहाँ से एक किसी गुरु को लेके आना। तो कहते हैं सिकंदर जब वापस गया तो वो अपने गुरु के लिए गंगा जल, गीता और एक गुरु को लेके गया। और उस सिकंदर का जो गुरु था, आप उसको जानते होंगे वो कौन थे। सिकंदर के जो गुरु थे वो थे अरस्तु, जिसको दुनिया अफलातून के नाम से भी जानती है। ऐसे विश्व के बड़े बड़े नायकों को बनाने वाला एक अध्यापक ही रहा है। तो मुझे लगता है कि अध्यापक होना, व्यक्ति होना वो भाग्य की बात है, पर अध्यापक होना सौभाग्य की बात है। जब तक हम अपने प्रोफेशन के साथ, जब तक हम अपने अपने पेशे के साथ, हम अपनी जीविका के साथ न्याय नहीं करेंगे, जब तक हम इसके ऊपर गर्व नहीं करेंगे। आज भी मैं देखता हूँ जब बीएड करने बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं और पहले दिन उनके साथ इंट्रोडक्टरी राउंड होता है तो उनसे पूछा जाता है कि आप अध्यापक बनने क्यों आए, तो आधों का जवाब होता है, माफ़ कीजिएगा इसको अतिरिक्त वे में ना लें, कि जी मेरी माताजी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा, या फिर ये विवाह के लिए ये डिग्री बहुत उत्तम है, इससे मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बहुत अच्छा हो जाता है। और आज आप देखेंगे कि पूरे विश्वविद्यालयों का हाल ये है कि मेल जो पुरुष वर्ग का अनुपात है वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। क्या पुरुष अच्छे अध्यापक नहीं होते, ये इस पर भी आप एक शोध कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जितने अच्छे पुरुष अध्यापक होते हैं उतनी अच्छी महिलाएं भी अध्यापिकाएं होती हैं। लेकिन क्यों ऐसा देखा गया कि बीएड में बहुत कम प्रतिशत, आप मेट्रोपॉलिटन अगर मैं सिटीज़ की बात करूं, गांव में शायद या देहातों के कॉलेजों में ऐसा ना होता हो, कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जब हमने बीएड किया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से, 200 में से करीबन 50-60 या 70 तक मेल हुआ करते थे। पर आज अगर हम देखते हैं, मैं इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में हूँ तो हर साल वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में हम पढ़ाते हैं तो 1 या 2
पीजी करने बच्चा आता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में ही जो बच्चे 5 या 4 आएंगे उसमें से पीजी करने वाले 2 या 3 ही रह जाते हैं। तो ये इतनी बड़ी विडंबना है कि हमने एक पूरा का पूरा एक प्रोफेशन एक जेंडर से विहीन कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा मूल्य है कि हम पुरुषों को क्यों शिक्षक बनने के रास्ते पर नहीं ले जा रहे, क्योंकि परिवारों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बेटा अरे तू क्या टीचर बनेगा, टीचर बनना तेरा काम थोड़ी है, टीचर बनने का काम तो जो है ना ये नर्सिंग और टीचिंग तो लड़कियों तक ही सीमित रहते हैं। क्या हमने इसे जेंडर टाइप नहीं कर दिया, क्या हमने इसको लिंग आधारित नहीं कर दिया? मेरे पिता भी अध्यापक थे, मुझे तो अपने यहाँ तक पता, हमारे दादा भी जो थे वो भी अध्यापन का ही कार्य किया करते थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम तो शायद अध्यापन ही, इसलिए शायद जेनेटिक भी है कि अध्यापक कहीं हमारे DNA में बसा हुआ है। लेकिन मैं भी शायद अपने बेटे को ये कहूँगा नहीं बेटा तू टीचर मत बनना, क्यों? इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आ जाती है, जो मूल्य आ जाता है, वो आता है कि समाज में प्रतिष्ठा नहीं है। समाज में अध्यापक को लेकर के कोई सलाम नहीं मारता, एक बाबू को भी ऑफिस में जाता है तो 2 सलाम मारता है चपरासी को भी, लेकिन हमें अपना भी जग भर के ले जाना पड़ता है। ये विडंबना की स्थिति है कि हमने अध्यापक को सब कुछ जो देना चाहिए था, जिस राष्ट्र का निर्माता अध्यापक होता है, उसको आज हमने अंतिम पायदान पर हेल्थ वर्कर के साथ, उसको बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ, उसकी तुलना एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर ली है जो कि एक अपनी सेवाएं दे रहा है, कि यानी सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ ये जो व्यक्ति है ये विचार प्रोवाइडर भी है, ये समाज का निर्माता भी है। बाकी सारे जो प्रोफेशन हैं वहां पर सिर्फ आप क्रिएचर हैं, बट इन दिस प्रोफेशन यू आर क्रिएटर। बाकी सब के सब प्रोफेशन में आप अपने कार्य को जो आप कर रहे हैं उसको सिर्फ आप फाइलों में रह के करते हैं। एक अध्यापक है जो लाइफ से डील करता है, इसीलिए बहुत बुनियादी अंतर है, वी आर डीलिंग विद लाइफ एंड दे आर डीलिंग विद फाइल्स। एक किसी और कर्मचारी की गई गलती फाइलों में दबी रह सकती है, लेकिन अध्यापक की गई गलती पीढ़ियों को बर्बाद कर सकती है। इसीलिए एक योग्य अध्यापक का चयन करना आज एक बहुत बड़ा समस्या बन चुकी है। और मुझे याद है कि जब हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था, और मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग भी यहाँ चैट बॉक्स में हैं, वो भी जानते होंगे कि उसके लिए चयन का आधार वो अर्हता, उसमें साक्षात्कार भी हुआ करता था कि वाकई वो अध्यापक संप्रेषण कर पाएगा, कम्युनिकेशन कर पाएगा या नहीं। पर आज हमने देखा कि इस पूरी मशरूमिंग में क्या हो गया कि केवल केवल टेस्ट या केवल मार्क्स के आधार पर हम अध्यापक बनाने लगे। अब जो अध्यापक जिसका पहला पैशन ही नहीं था, जिसका पहला प्यार ही अध्यापन नहीं था, जो कुछ और ही जाना, जो जाना था जापान पहुंच गए चीन, जिसका पहला लक्ष्य ही कुछ और बनना था, जब वो अध्यापक बन जाएगा, जब वो अध्यापन में आ जाएगा, तो फिर वो अध्यापक क्या करेगा, वो अध्यापक क्या करेगा? वो फिर देखिए वो उसी तरीके से शिक्षा को लेगा, वो कहीं ना कहीं अपना कहीं ना कहीं जो है ट्यूशन पढ़ाएगा, वो कहीं ना कहीं साइड में और अभिवृत्ति करेगा। मुझे लगता है कि जिस देश में अध्यापकों को सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिलना चाहिए, उनको अच्छे वेतनमान मिलने चाहिए, उनमें उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया और उसकी ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे आप एक सैनिक का निर्माण करते हैं एक्सटर्नल एनिमी से लड़ने के लिए, शिक्षक भी वही कार्य करता है अंदर के एनिमी से लड़ने के लिए। वो एक सोच का निर्माण करता है, वो राष्ट्र का निर्माता है। आज चाहे जो भी आज देश के नायक हों, वो भी कहीं ना कहीं किसी भी शिक्षक के हाथ से निकले हुए हैं, उनके अंदर भी अपने अध्यापकों का ही कहीं ना कहीं रक्त और श्वेत मिला हुआ है, वो उन्हीं का प्रतिफलन है। चाहे विवेकानंद की बात करता हूं मैं, तो वो भी कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जैसा व्यक्ति, अगर अध्यापक मुझे नहीं मिलता तो शायद मेरे को नरेंद्र से विवेकानंद नहीं बनाया जा सकता था। तो आप जीवन में आप जिस भी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़ें, तो कहीं ना कहीं आप महात्मा गांधी की बात करें तो वो भी जो है कहीं ना कहीं अपनी जीवनी में, रस्किन की बात करते हैं, लियो टॉलस्टॉय की बात करते हैं, वो उनको अपना गुरु मानते हैं, भारतीय संदर्भों में वो गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि अध्यापन एक अभिवृत्ति या आजीविका से बहुत आगे तक की सोच वाला प्रोफेशन है। ये केवल और केवल एक उपजीविका नहीं है, ये एक सेवा है, ये एक बहुत बड़ा अभियान है। और इसीलिए इसमें जो मूल्य होने चाहिए, उन मूल्यवान लोगों को शिक्षा के अंदर अपना सब कुछ देने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन जो आवाज़ उठनी चाहिए वो हमें ही उठानी चाहिए, और इस आवाज़ को हमें अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है उससे लेकर जो सबसे ऊपर बैठे हैं उन तक भी पहुंचानी है कि शिक्षा विषय को आप अनुशासन के रूप में स्थापित कीजिए, अनुशासन के तौर पर शिक्षा को एस्टैब्लिश कीजिए,
और शिक्षा विषय को यूपीएससी से लेकर के अन्य परीक्षाओं में एक विषय बनाइए, इंडियन एजुकेशन सर्विस की स्थापना करिए, और शायद हम ऐसे नीति निर्माताओं की बात करें जो शिक्षा की नीति बनाए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनसे मुक्ति दिलाइए, एक शिक्षक को जो है उसका दायित्व उसका धर्म निभाने दीजिए। और इसलिए कहीं ना कहीं हम आज भी अपने संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, उनसे विमुख होते चले जा रहे हैं। इसीलिए आज जो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा एक रोजगार से ज़्यादा व्यापार बनती चली जा रही है, इसका व्यापारीकरण रोकना पड़ेगा और इसको पुनः सेवा और समर्पण के साथ जोड़ना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपके अगर कुछ प्रश्न हो तो मैं उनका आ, 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 स्वागत है। अभी तक आपने जो मुझसे प्रश्न किए थे मैंने उनका थोड़ा बहुत देने जवाब देने की अवश्य प्रयास किया है। सतीश द्विवेदी जी आपका धन्यवाद और तमाम मित्रों का, जो भी भाई गौरव का, आदरणीय डॉक्टर सुशील त्यागी जी का जो हमारे गुरु समान हैं, भाई सोमू सिंह का निसंदेह जिन्होंने मंच दिया, और वो तमाम लोग जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारी शिष्या योगिता व्यास बहुत अच्छी अध्यापिका हैं, सारिका राय शर्मा जी, और तमाम लोग जिन्होंने हमें कमेंट दिए और हमें सराहा, सुरेंद्र जी, शिवाजी जी, मार्गदर्शन के लिए आपने लिखा कि आपने हमारा सराहना करी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ और मुझे लगता है अगर कोई तकनीकी दिक्कत रही तो हम एक और सत्र सोनू जी पुनः किसी अगले वीक में कर सकते हैं। और मुझे लगता है जहाँ तकनीक समाप्त होती है वहाँ से ही शिक्षा शुरू होती है। इसने कहा है कि टेक्नोलॉजी फेल्स बट एजुकेशन नेवर फेल्स, कि तकनीक फेल हो सकती है पर शिक्षा कभी फेल नहीं होती, क्योंकि शिक्षा एक विचार है और विचार हमेशा जीवित रहते हैं। आदमी मर सकता है, उसके विचार नहीं मर सकते। भगत सिंह चले गए लेकिन उनके विचार जिंदा है, महात्मा गांधी चले गए उनके विचार जिंदा है, स्वामी विवेकानंद नहीं रहे पर उनके विचार जिंदा है। तो व्यक्ति विचारों से चलता है, समाज को चलाने के लिए विचार चाहिए और विचारों को देने के लिए शिक्षक चाहिए। तो जिस समाज में अच्छे विचारक होंगे, जिस समाज में अच्छे शिक्षक होंगे, वो राष्ट्र निसंदेह प्रगति करेगा। और मेरा राष्ट्र बहुत महान है, इस राष्ट्र का हमारे पर बहुत बड़ा ऋण है और हमें इस ऋण को चुकाने के लिए और अधिक समय नहीं बिताना चाहिए। हमें मिलकर के एक समग्र प्रयास करना चाहिए, अध्यापक शिक्षा, स्कूली शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को फिर से उसमें आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए अपने अपने स्तर पर कार्य करने होंगे। और निश्चित रूप से ये जो ऑनलाइन कार्य जो किए जा रहे हैं ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इसमें मैं साधुवाद करूँगा अपने समस्त साथियों का जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और हमारा मार्गदर्शन किया, अपने विद्यार्थियों का भी जिन्होंने पूरा समर्पण के साथ उस कार्य को किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।